बुंदेलखंड में बी फार्मा, डी फार्मा, बीपीईडी, बीएड, बीए, बीकॉम और बीएससी में उत्कृष्ट शिक्षा का एकमात्र संस्थान आदिनाथ ग्रुप ऑफ कॉलेज, नई गल्ला मंडी के पास महर्राल ललितपुर। भैया हेलो, राम राम, नमस्कार। हमें तो चिंते ही जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। बड़ी खबर है, बड़ी खबर है ई टाइम की के कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव के लाने अपनी पहली सूची जारी कर दी है और ये पहली सूची में है 15 नाम। कुल 27 सीटों पे उपचुनाव है, लेकिन इन 27 सीटों में से 15 सीटों पे कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं। और जी तरीके से घटनाक्रम लगातार चल रहा, तो मध्य प्रदेश में तमाम तरीके के बयान सामने आ रहे थे कि कब तक टिकट हुई है, कांग्रेस पार्टी लेट हो रही, लेकिन आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने अपने 15 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। 12 पे अभी भी प्रत्याशी तय नहीं भाए हैं, लेकिन 15 नाम कौन कौन से हैं जे हम आपको एक एक करके बता रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि कौन सी सीट पे कौन से नाम हैं। मध्य प्रदेश की दिमनी सीट पे नाम है रविंद्र सिंह तोमर को। अम्बा सीट से नाम है सत्य प्रकाश सिकरवार को। गोहद सीट से नाम है मेवाराम जाटो को। ग्वालियर से नाम है सुनील शर्मा को। डबरा से नाम है सुरेश राजे को। भांडेर से चुनाव लड़े वरिष्ठ नेता फूल सिंह बरैया। करेरा से चुनाव लड़े प्रागीलाल जाटव। बमोरी से लड़े कन्हैयालाल अग्रवाल, जो पूर्व मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अशोकनगर से चुनाव लड़े श्रीमती आशा दोहरे। अनूपपुर से चुनाव लड़े विश्वनाथ सिंह कुंजाम। सांची से चुनाव लड़े मदनलाल चौधरी। आगरमालवा से चुनाव लड़े युवा नेता विपिन बानखेड़े। हाट पिपलिया से चुनाव लड़े राजवीर सिंह बघेल। नेपानगर से चुनाव लड़े रामकिशन पटेल। और सावेर से चुनाव लड़े प्रेमचंद गुड्डू, पूर्व सांसद। 15 लोगों के नामों की यह सूची है और इस सूची में साफ तौर पे जो बताया जा रहा हो कि कांग्रेस पार्टी ने जो सर्वे के आधार पर टिकट की बात करी गई थी, तो वही सर्वे के आधार पर बताया जा रहा हो कि ये टिकट फाइनल भाई हैं। कहा कि कई सारे ऐसे नाम होते जो इन सीटों पर चल रहे थे, कछु लोग भाजपा से कांग्रेस में भी आए थे, लेकिन उनको उतनी वरीयता नहीं मिली और कांग्रेस पार्टी ने 15 नामों की सूची जारी कर दी है। अब उपचुनाव की रणभेरी बच चुकी है। अब तक भारतीय जनता पार्टी के जो संभावित प्रत्याशी थे वे मैदान में थे, लेकिन अब कांग्रेस के लोग भी मैदान में हैं और जम के चुनाव प्रचार की तैयारी है। और कुल मिला के अब असली मुकाबला उपचुनाव को शुरू हो गया है। कछु दिनों में यहाँ आचार संहिता लगने वाली है और मध्य प्रदेश में उपचुनाव होवे वाले हैं। जो उपचुनाव मध्य प्रदेश की दशा और दिशा बदलें, काय के मुख्य चुनाव से कम महत्वपूर्ण नहीं समझ में आ रहे जे उपचुनाव। राम राम। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।